कल्याण में चलती ट्रेन से उतरते हुए पटरी से नीचे आया शख्स, मौके पर हुई मौत। 9 अप्रैल को होने वाली राज ठाकरे की जनसभा कैंसिल, थाने पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण 12 अप्रैल को दहाड़ेंगे राज ठाकरे। बिना हेलमेट ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस सख्त, 24 घंटों में 2000 से ज्यादा चालकों का काटा गया चालान। संजय राउत का एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, शिव सैनिकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। गुड़ी पाड़वा पर खुली नई मेट्रो में बड़ी लापरवाही आई सामने, चलती हुई मेट्रो के दरवाजे खुले। तुमने शिवसेना के शेर को उकसाया है, तुम ना मर्द हो, हिम्मत है तो सामने से वार करो, संजय राउत ने भाजपा को दी चेतावनी। बिना वैक्सीनेशन वाले छात्रों को भी मिलेगी कॉलेजों में अनुमति, विश्वविद्यालय की कक्षाओं में प्रवेश, उदय सामंत ने दी जानकारी। भाजपा नेता मोहित कंबोज ने बनाया लाउडस्पीकर बैंक, मंदिर में लिए मुफ्त लाउडस्पीकर ले जाए, कंबोज ने किया ट्वीट। संजय राउत का समर्थन करने वाले नगर सेवक सलीम शेख के खिलाफ मुस्लिम समुदाय आक्रामक, मुस्लिम नहीं हो सकते तुम, डीएनए टेस्ट कराओ, मुस्लिम युवक द्वारा भेजा गया ऑडियो वायरल। किरीट सोमैया के खिलाफ शिवसेना आक्रामक, मुंबई नाशिक सहित कई इलाकों में शिवसेना ने जमकर की नारेबाजी, सोमैया के पुतले को मारा गया चप्पल। मीरा भाईंदर में बड़ी लापरवाही, कई सड़कों पर नहीं है जेब्रा क्रॉसिंग, होती है कई दुर्घटना। संजय राउत बोले युद्ध के लिए तैयार है महाराष्ट्र, आपको हमारे सामने घुटनों के बल झुकना ही होगा। मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर्स को बैन करने की मांग, कहा मुस्लिम देशों में भी है प्रतिबंध। किरण सोमैया की मुश्किलें बढ़ी, भाजपा नेता किरण सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईएनएस विक्रांत फंड में हेराफेरी का किया मामला दर्ज। राज ठाकरे का विरोध करने के बाद मनसी के वसंत मोरे को शहर अध्यक्ष पद से हटाया गया, साईनाथ बाबर को सौंपा गया कार्यभार। छुट्टियां खूब करें एंजॉय, चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्यूआर कोड और सीसीटीवी कैमरे से मुंबई पुलिस रखेगी बंद घरों पर नजर। मुंबई में नाला सफाई को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सख्त, 31 मई तक सभी अधूरे कामों को पूरा करने का दिया अल्टीमेटम। अनिल देशमुख के जमानत पर ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को बताया मास्टरमाइंड। महाराष्ट्र के बुलडाना में कुएं में फंसा तेंदुआ, सूझबूझ से किया गया रेस्क्यू। पुणे हाईवे पर ट्रक और बस की हुई टक्कर, मौके पर ही दो व्यक्ति की हुई मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसटी कर्मचारियों को 22 अप्रैल तक काम पर लौटने का दिया आदेश, आजाद मैदान में खुशी का माहौल। मुंबई के पहले मराठी फर बाकी भाषा में हो दुकान के बोर्ड, बीएमसी का फरमान। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने के लिए मनसे आक्रामक, लाउडस्पीकर को हटाने के लिए मनसे हाईकोर्ट में दायर करेगी याचिका, एडवोकेट किशोर शिंदे ने दी जानकारी। कोरोना के नए वेरिएंट टैक्सी से भारत को खतरा नहीं, डब्ल्यूएचओ के प्रमुख साइंटिस्ट का दावा। मैकेनिक के पास रिपेयरिंग के लिए आई थी कार, स्टंट करने पर पुलिस ने जब्त की 5 कार, 7 युवाओं पर मामला दर्ज। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।